हाईली सेठ जी, पिछला हिसाब किताब सब क्लियर हो गए। और हाँ, 50 किलो आटा, 50 किलो चाउर और 10 किलो तुअर का दाल तौल दी। तौल देता नहीं, दाम पता ही धैले बानी नू। काहे महीने में तुहार हिसाब न चुकाए ले, जे तू उधारी पे ताला मार देला। ठाकुर बीरेन्द्र सिंह और सभे के ना पसंद बा कि हम रउआ लोगन को उधार दी। काहे रउआ समझे के कोशिश करी, रउआ पे रहम दिखाएब न तो वो लोग हमरा प्रति बेरहम हो जाए लोग। देखा देखा, दुकान से खाली हाथ मत लौटावा। अब भाई हमारे पास पैसा ना हो, पैसा उते चुका दे। तू हमार मजबूरी समझा, पैसा नगद ना हो तो सामान ना मिली, ऐसे क्षमा कर दी। दीदी बहुत जोर के भूख लागल बा। बस काकी राशन लेके अबते हुई हैं। कल रात में मजा आया यार। काकी का भेल? का बात बगीता? का बात बेटा? चाचा उधारी बंद, दुकान वाला राशन ना देलस। हाँ ये देखे, हाँ ये बार नौका डिजाइन के झुमका। रउआ दाम बोली सेठ जी, बस 20,000 रुपया। ये इटालियन ब्रांड बा, एकर दाम 40,000 रुपया है। सेठ जी हम एकर फोटो खींच के नवाब साहब के भेज देता नहीं और उनका बुला भी लेता नहीं, ताकि हम गहना खरीद ली। हाँ हाँ काहे ना। कितना पैसा भाई? 140 रुपया। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम बेगम। आराम से जी। नवाब साहब, ये वाला झुमका तो पसंद के लिए बानी हम। अच्छा, चांद जैसे चेहरे पे झुमका सितारा, नहीं भूलेगा दुकानदार ये बेचारा। सर जी हमारी बेगम की पसंद का दाम तो बताइए। बस 40,000 सरकार। लाहौल बिला कुमार गुस्ताख, तो सर कलम कर दे। का भइल सरकार? इतना घटिया इतना सस्ता झुमका हमरा बेगम के दिखाओ को तो हिम्मत कैसे भाई? तोरा पता बा हमरा घर के अखबारे सोना के खदान, हमरा घर के पिछवाड़े सोना के खदान, हमर पूरा खदान सोने के खदान में पैदा भइल बा। फिर यहां 2 तोला सोना लेवे खातिर काहे चलाई नी सरकार? गुस्ताख नवाब साहब से जुबान लगा उठ रहे, एकर अंजाम बहुत बुरा हो। गलती हो गई सरकार। चली चली चला बेगम, चला तो रहा काम हीरा का हार खट रहा। चली पहले भूसा बहुत पातर बा, फाट चला चल। अरे नकली सोना, अरे नवाब ना ठग रहले सन, अरे नकली सोना हमरा के दे के असली सोना लेके चल गई ले। अरे पुलिस, अरे पकड़ा अहमद के, अरे पुलिस।